नकली नोट चलाने की कोशिश करने के मामले में फरसगांव पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिस युवक कांग्रेसी को पुलिस ने 28 अक्टूबर को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, उसे नकली नोट सप्लाई करने वाला शनिवार को पुलिस के हाथ लग गया है। मामले की जानकारी फरसगांव थाना प्रभारी संजय शिंदे ने दी है। वीडियो ले फोटो राजेश कहाँ जाने वाले, किस पद पे हो? जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, कौन सा प्लान? माकड़ बोल कहाँ से ले गया है? उड़ीसा। उड़ीसा से? कितना के लिए? कितना लाए थे? 1 लाख। उसके बदले में कितना रुपया असली नोट दिए थे? 10 हजार। 10 हजार में 1 लाख जी। और इससे पहले लाना लाना चुके हो? नहीं, पहली बार था जी। क्या था, कहाँ कहाँ खा पाते थे नोट को? कहीं नहीं खा पाया था। खटरे वगैरह जी? कहाँ पास? नहीं, योजना क्या था आपको, यहाँ किस तरह से खपाते? ऐसे लाया तो उसको ले चला के देख, बोल के लाया था, खा लिया, चलाया नहीं था। और कोई आपके इस लाइन से जुड़े हुए कोई लोग? अकेले हुआ जी। उड़ीसा में कैसे संपर्क किए वहाँ पे? एक दिन बंगाली ला के दिया। बंगाली ला के दिया? कहाँ का बंगाली? एक दिन का जरी वहाँ पर रहता। कहाँ से? निश्चित ही नकली नोट मामले में फरसगांव पुलिस को एक और सफलता मिली है। पूर्व में 28/10/2024 को एक आरोपी राजेश पुरी के कब्जे से 1,05,000 नोट नकली नोट बरामद किया गया था और जिन्हें जेल भेज जा चुकी थी। और इसी तात्पर्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार विवेचना के निर्देश प्राप्त हो रहे थे और पतासाजी करते हुए दिनांक 1/11/2024 को प्रेमानंद सरकार उप मोना मंडल के कब्जे से 5,500 के कुल 9 नोट बरामद किए हैं, टोटल 4,500, जिन्हें आज दिनांक माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजी जाएगी। हाँ, बिल्कुल निश्चित ही संबंध है। पूर्व जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था, उनको आज जो गिरफ्तार हुई है, उन्हीं के द्वारा नकली नोट बरामद किया, मतलब सप्लायर किया गया था, और इनके कब्जे से भी हमको आज नोट बरामद हुई है।